हेलो दोस्तों, इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉल। आज हम बात करने जा रहे हैं कि कौन कौन सी केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं इथेनॉल की। इथेनॉल केमिकली कैसा है? केमिकली इथेनॉल बहुत ही रिएक्टिव होता है। केमिकली इथेनॉल इज अ हाईली रिएक्टिव एंड वोलेटाइल सब्सटेंस एंड इट कैचेस फायर इन अ वेरी quick moment when it comes in a course of flame. When it comes in a part of flame, it catches fire with a blue color flame. Okay, the first property is first thing I'll write over here is ethanol is a highly reactive compound. And why is it so? Why ethanol is highly reactive? The ethanol is highly reactive due to the presence of OH group, or we can say alcohol. This presence of OH makes it highly reactive. क्या कहते हैं कि इथेनॉल जो है वो बहुत हाईली रिएक्टिव कंपाउंड है, और इसका कारण क्या है? इसका कारण है अल्कोहल का जुड़ा होना, यानी OH फैमिली का। अल्कोहल फैमिली से होने की वजह से इथेनॉल जो है बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव है। अब हम बात करते हैं कि कैसे और कौन कौन सी केमिकल प्रॉपर्टीज हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कंबस्शन। अगर हम इथेनॉल को रिएक्ट करवाते हैं एयर के साथ तो क्या प्रोड्यूस करता है? व्हेन फर्स्टली वी विल टेक कंबस्शन एज एन प्रॉपर्टी एंड दिस कंबस्शन शोज हाउ इथेनॉल विल रिएक्ट विद एयर एंड व्हाट विल बी द प्रोडक्ट व्हेन इथेनॉल इज कंबाइंड विद एयर। सो इट इज हाईली वोलेटाइल एंड कंबस्टिबल लिक्विड। व्हेन फ्लेम्स गॉट टू दिस इथेनॉल C2H5OH इज हाईली वोलेटाइल एंड कंबस्टिबल लिक्विड व्हाट डज इट मीन? कंबस्टिबल मीन्स इट इज इजिली प्रोड्यूस कंबस्शन, और इट कैचेस फायर व्हेन इट इज इन गेट इन कॉन्टेक्ट विद एयर और ऑक्सीजन। सो व्हेन फ्लेम गॉट टू दिस व्हेन इथेनॉल इज केम इन लाइट विद फ्लेम it catches fire rapid fire and this ethanol and bought with air or flame it produce carbon dioxide and water. What are the products when ethanol is getting combustion when ethanol is closer to the flame, it in presence of oxygen it produce carbon dioxide and hydrogen, carbon dioxide and water, or we can say this equation is written as C2H5OH. This is your ethanol or ethyl alcohol. When it is get reacted with oxygen from air, it produce carbon dioxide and water. Here carbon dioxide is in gaseous form and water is in liquid form. This is the product and there is no catalyst required. It burns with blue flame, and we already heard about when a substance or a fuel produces blue flame, it shows that it is completely कंबस्टिबल। यानी क्या कहने का मतलब है कि जब भी इथेनॉल को हम आग के संपर्क में लाते हैं, यानी एटमॉस्फेयर में एयर है और एयर से रिएक्ट करके जैसे ही हम इथेनॉल में हल्का सा भी फ्लेम देते हैं तो किसमें कन्वर्ट हो जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के अंदर। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो गैसियस फॉर्म में होता है, और गैसियस फॉर्म में होता है और वाटर किस फॉर्म में होता है? लिक्विड फॉर्म में। यह है आपका कार्बन डाइऑक्साइड और यह है आपका वाटर। तो यह है पहली प्रॉपर्टी कंबस्शन। इथेनॉल क्या है? बहुत ही इजीली कंबस्टिबल लिक्विड है और वोलेटाइल है। इथेनॉल जैसे ही फ्लेम के साथ संपर्क में आता है
जैसे ही वो एयर के साथ संपर्क में आता है विद फ्लेम, किसमें कन्वर्ट हो जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के अंदर। दूसरी फिजिक केमिकल प्रॉपर्टी है रिएक्शन विद सोडियम। सेकेंड प्रॉपर्टी विच वी आर गोइंग टू कंसीडर इज रिएक्शन विद सोडियम, रिएक्शन ऑफ इथेनॉल विद सोडियम। व्हेन इथेनॉल रिएक्ट विद सोडियम विद सोडियम इट प्रोड्यूस सोडियम इथेनोइट। सोडियम इथोक्साइड व्हेन इथेनॉल मींस C2H5OH रिएक्ट विद सोडियम इट प्रोड्यूस C2H5ONA एंड हाइड्रोजन गैस इज लिबरेटेड। व्हेन C2H5OH इज रिएक्टेड विद सोडियम इट प्रोड्यूस C2H5ONA, दिस इज योर सोडियम इथोक्सेनाइड, सोडियम इथोक्साइड। दिस हाइड्रोजन गैस इज इन्वॉल्व व्हेनेवर सोडियम और सेम पोटेशियम इज रिएक्टेड विद अल्कोहल इट प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। दोस्तों हम बात कर रहे हैं दूसरी केमिकल प्रॉपर्टी की। क्या है ये प्रॉपर्टी? कि जब इथेनॉल को सोडियम के साथ या पोटेशियम के साथ या मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट कराते हैं, सॉरी मैग्नीशियम नहीं, सिर्फ पोटेशियम, सोडियम और पोटेशियम इनके साथ रिएक्ट कराते हैं तो क्या बनाता है? वो बनाता है इथोक्साइड। सोडियम के साथ रिएक्ट कराने पर इथेनॉल को वो बनाता है इथोक्साइड। और कौन सी गैस लिबरेट होती है? हाइड्रोजन गैस। ये हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है और सोडियम इथोक्साइड बनता है। ठीक है, इसमें ये इक्वेशन, इसको हमें बैलेंस करना है C2H5OH twice C2H5OH plus H2, this is your balanced equation. So finally we get the two starting chemical properties. The first one is the combustion of ethanol, how the ethanol is combined with air in a flame to produce carbon dioxide and water, and what will happen when ethanol react with sodium. When ethanol react with sodium it produce sodium ethoxide. Thank you for watching this video. Rest of the chemical properties I explain in the next video.